थर्ड ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर में भी आ सकता, और शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या द ब्रीफ मेंटेन ऑल द अवेलेबल इक्विवेलेंस इन द सपोर्ट ऑफ ऑर्गन एवोल्यूशन। ओके, जैव विकास के समर्थन में बहुत सारे प्रमाण सिद्ध हुए हैं। प्रारंभिक काल में किसी भी ठोस प्रमाण एविडेंस पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे जैसे विकास या सिद्धांत हुआ है तो उसके बारे में पता चलता गया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बताना चाहूँगी कि विकास जो होता है बहुत धीरे धीरे होता है, कारण किसी भी प्रमाण को दूसरे परिमाण में परिवर्तन देखना संभव नहीं है, क्योंकि जो पहला चेंजेस हुआ बहुत टाइम बाद दूसरा चेंजेस होगा, तो पहले चेंजेस के जितना भी एविडेंस है नष्ट हो जाता है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग आसानी से ये नहीं पता लगा सकते हैं। देखो, एविडेंस ऑफ द टैक्सोनॉमी की वर्गीकरण तत्व में विकास जो होता है सभी जीवों में उनकी समानता तथा विषमता के अनुसार विभिन्न समुदायों में बांटा गया है। इन समुदायों को क्रमशः क्लास, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन। ओके, तो इस क्लासिफिकेशन, इसके बाद मार्फोलॉजी एंड जो होती है, और एनाटॉमिकल मींस इसकी आकार की और शारीरिक प्रमाण जो होते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम जो विकास के बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देखेंगे समजात रचनाएं होमोलोगस एनोलोगस। होमोलोगस मीन्स क्या कहलाता है, जिनके कार्यों में तो अंतर होता है परंतु इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेम होता है। और एनोलोगस मीन्स क्या होता, समावृत्ति अंग, जिनकी रचनाएं भिन्न भिन्न होती पर वर्ग क्या होता, सेम होता है। तो अपन आ जाते हैं पहले एविडेंस फॉर होमोलोगस समजात अंग। कई प्रकार के जंतुओं में समजात अंग देखने को, मीन्स जो उसके ऑर्गन्स जो होगा सेम होगा बट जो उनका वर्ग जो होगा डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड के पास क्या, बर्ड्स जो होता है, उसके बाद जो होता है बैट होता है, वेल मछली होती है, ऑक्स होता है, हॉर्स होता है और मैन होता है। ओके, ह्यूमरस, कार्पस, मेटाकार्पस, रेडियस, अल्ना और जो होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स का होगा। जैसे आप देखेंगे फ्लिपर मीन्स पक्षी तथा चमगादड़ के पंख, मेढक की अग्रभुजाएं वगैरह, ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पस इन सब में होते हैं कूदने, परंतु वर्ग जो होता है अलग अलग होता है। घोड़े के लिए मेढक कूदने का काम करता है, मछली तैरने का काम करती है और पक्षी उड़ने का काम करता है, बट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेम है बट इनका वर्ग डिफरेंट है। समावृत्ति अंग जिसको कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन जो कहलाता है कि दिखने, जैसे पक्षी तथा कीटों के पंख तो अलग होंगे, आप खुद देख रहे हैं कि पक्षी इंसेक्ट जो होता है, बर्ड जो होता है, इसके फिन तो चेंजेस होगा बट इनका जो वर्ग सेम होता है, कि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि जो पक्षी दूसरे द्वारा हम बता सकते हैं, पक्षी पंखों का निर्माण उड़ने में करते हैं, अंगली टांगों में क्या परों के होने के कारण होता है, इसी प्रकार अलग अलग होता है। अवशेषी प्रमाण, अवशेष में मैंने पहले बताया था वेजिटल ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, वो जो कि विलुप्त हो चुके हैं परंतु इनका अभी भी शरीर में किसी ना किसी रूप में अवशेष मात्र के रूप में रह गए हैं बट इनका कोई फंक्शन नहीं होता है, जैसे निमेश पटल, क्रमिक या वॉर्म अपेंडिक्स हैं, टेल, वर्टिब्रा, इनर ईयर, पिन्ना, ये सब ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका आपके बॉडी में यूजेस तो नहीं है बट क्या होते हैं कि ये आपके शरीर में अभी भी दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कनेक्टिंग लिंकेज, ऐसे जंतु दो वर्गों या समुदाय को जोड़ने का काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं, संयोजी कड़ी कहते हैं। मोस्ट पॉपुलर उदाहरण क्या, आर्कियोप्टेरस, सरीसृप पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। कुछ संयोजी जैसे कि प्रोटोप्टेरस, तो आप देखेंगे किसका जो लंग्स फिश है, इसमें कुछ एम्फीबियंस तथा कुछ मछली के गुण दोनों पाए जाते हैं, तो लंग्स फिश में क्या एम्फीबिया और मछली के दोनों गुण होते हैं। पेरीपेटस, ये आर्थ्रोपोडा तथा एनलिडा समुदाय की योजक कड़ी है, मैं मतलब पेरीपेटस अगर कोई पूछता है तो किसके, आर्थ्रोपोडा और एनलिडा के बीच की कड़ी है। आर्कियोप्टेरस को तो आपको मालूम है कि रेप्टाइल्स और पक्षियों के संयोजी बीज की कड़ी हो गया, परंतु अभी क्या हो गया है, मिसिंग लिंकेज है, लिंक है, क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है। भ्रूण विज्ञान में यदि हम मछली, ओके, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज, मैमल्स आदि की एम्ब्रोलॉजी के अध्ययन करेंगे तो जिसके एम्ब्रो जो होते हैं अगर सेम दिखाई देते हैं, मतलब इनका जो भ्रूण, बर्ड का भी भ्रूण, खरगोश का, मेढक का, मनुष्य का और मछली के जो एम्ब्रोलिक स्टेज रहेंगी वो सेम दिखाई देती, ये भी एक उदाहरण अच्छा माना जाता है एविडेंस के रूप में, है ना। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो होता है, जंतु के शरीर का अध्ययन करने से हमें पता चलता है
कि इनमें इंडोक्राइन हार्मोन्स प्राप्त हार्मोन्स की क्रिया विशेष होती है। ठीक है, इसमें कुछ होते हैं पूर्वज भी होते हैं वगैरह, कुछ लक्षण जो मिलते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग है ये सब, जो विकास के प्रमाण है। अब देखते हैं आप लैमार्क बाद जो होता है, लैमार्क ने क्या बताया था, फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजिका में वर्णन किया था। ओके, लैमार्क क्या थे, इन्होंने क्या बताया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, मतलब जो बॉडी पार्ट्स अंग आपके शरीर में जरूरी है वो तो वृद्धि कर जाते हैं, बाकी इनका लॉस हो जाता है। जैसे जैसे वातावरण में चेंजेस आता जाता है, शरीर में स्वभाव में चेंजेस आता है, जैसे कि क्या, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिस्कस ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटी एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट मीन वातावरण का सीधा इफेक्ट होता है, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति और वातावरण का सीधा प्रभाव। उनके अनुसार क्या माना गया था कि प्रत्येक प्राणी की रचना जो होती है, फलस्वरूप नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आता है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आपको मालूम है जिराफ की गर्दन, पहले उनका मानना था कि जिराफ लोमड़ी के समान होता था, और जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होता गया उसकी आगे की टांग और गर्दन लंबी होती गई। तो ये क्या हो गया, अंगों के यूज और अनुपयोग के बाद देखेंगे आप, कुछ जीव जो होते हैं जिनको अंगों का उपयोग करते हैं, और जब इन अंगों का उपयोग खत्म हो गया तो धीरे धीरे ये ह्रास हो गए। उपार्जित लक्षणों की वंशागति मैंने बता ही चुकी हूँ आपको, लैमार्क जो थे, इसके बाद डार्विन थे। डार्विन ने क्या बताया था, भिन्नता से उत्पन्न जीवों में वातावरण में जो भिन्नता होती है उसके कारण जो उत्पन्न होता है वो किसके अकॉर्डिंग आया, डार्विन बाद के अनुसार। डार्विन ने क्या किया था, नेचर सिलेक्शन थ्योरी दी थी। क्या दी थी, नेचर सिलेक्शन थ्योरी। इसमें क्या होता था, जीवों की आवश्यकताओं में अधिक संतान उत्पन्न करना, सीमित भोजन एवं आश्रय, स्ट्रगल फॉर द एक्सटेंशन मीन जीवन से संघर्ष, इंटर स्पेस इंट्रा स्पेस, देन एनवायरनमेंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटर, वेरिएशन एंड इनहेरिएशन टू द कैरेक्टर्स एंड नेचर सिलेक्शन एंड ऑर्गन अ न्यू स्पीसीज। मीन्स इन्होंने जितने ये आठ प्रकार के क्या दिए, नेचर सिलेक्शन का दिया, कि किसके अकॉर्डिंग दिया, इसी में कि जो एविडेंस जो थे या जो उत्पत्ति थी उसके लिए उन्होंने बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मैं नेक्स्ट बताऊंगी। थैंक यू।